Hello 11th class, this is your online business study class. Today we discussed about some case studies related with chapter 3. Let's start. देखिए इसमें जो एक केस स्टडी दी हुई है, देखिए कुछ केसेस दिए गए हैं, उनके अकॉर्डिंग हमें आइडेंटिफाई करना है वेरियस फॉर्म्स ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज. ठीक है, तो देखते हैं. फर्स्ट जो दिया गया है, इट इज़ अंडर द कंट्रोल ऑफ कंसर्न मिनिस्टर ऑफ द डिपार्टमेंट. ये जो एक फॉर्म है बिजनेस एंटरप्राइज की, बिजनेस पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज की, जिसमें कंट्रोल रहता है कंसर्न मिनिस्टर ऑफ डिपार्टमेंट, यानी उस जो भी डिपार्टमेंट है उस रिलेटेड जो मिनिस्ट्री है उसका उस पर कंट्रोल रहता है. तो इसमें कौन सा आएगा, ये हमने पढ़ा था डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग. उसमें क्या होता है, उसके डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो मिनिस्ट्री है उस पर कंट्रोल रखती है. ठीक है, सेकेंड देखिए, इट इंजॉय मैक्सिमम ऑटोनॉमी इन ऑल मैनेजमेंट एक्टिविटीज़. देखिए मैक्सिमम ऑटोनॉमी है ऑल मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ में. तो एक इसमें था, ये हमने पढ़ा था गवर्नमेंट कंपनी के अंडर में, कि गवर्नमेंट जो कंपनी है उसमें जो है कंट्रोल रहता है 51% जो है गवर्नमेंट कंपनीज के अंडर में, गवर्नमेंट का, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का पार्शली और होली भी. और उसमें हमने पढ़ा था कि मैक्सिमम ऑटोनॉमी रहती है, यानी फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव ये सारी जो मैनेजमेंट जितनी भी मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ है सब में मैक्सिमम ऑटोनॉमी किसको मिलती है, कौन एंजॉय करता है, कहता है गवर्नमेंट कंपनी. तो इसका आंसर क्या होगा, गवर्नमेंट कंपनी. नेक्स्ट देखिए, LIC एंड एयर इंडिया आर एग्जाम्पल ऑफ दिस फॉर्म ऑफ एंटरप्राइज. LIC और जो एयर इंडिया है वो किसके एग्जाम्पल है, कौन सी फॉर्म ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है. तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका जो ये आपका LIC. मैंने आपको जब ये टॉपिक हमने किया था तभी मैंने आपको उसमें एग्जाम्पल ये दिया था. तो ये कौन सा होगा, ये आपका होगा स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन. हमने पब्लिक कॉर्पोरेशन और स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन पढ़ा था, तो उसमें मैंने आपको तब भी एग्जाम्पल एक केस स्टडी का उसमें दिया था. ठीक है, कि क्या होता है पब्लिक, अगर हम पब्लिक कॉर्पोरेशन की बात करें उसमें हमने क्या पढ़ा था कि उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी है ना. हमने ये पढ़ा था कि सर्विस मोटिव है इसका, और जो ये कॉर्पोरेशन होता है ये एक फॉर्म स्पेशल एक्ट जो पार्लियामेंट है उसके थ्रू क्या किया जाता है, फॉर्म किया जाता है, और ये फुली फाइनेंशियल गवर्नमेंट के थ्रू. ठीक है, और जो भी जितनी भी उसकी पावर ऑब्जेक्ट लिमिटेशन है वो कैसे डिसाइड की जाती हैं, वो एक्ट ऑफ लेजिस्लेचर, जो भी एक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग इसमें क्या किया जाता है, फॉर्म किया जाता है. नेक्स्ट देखिए, मिनिमम 51% ऑफ पेड अप कैपिटल इज हेल्ड बाय द गवर्नमेंट. मिनिमम 51% ऑफ पेड अप कैपिटल, ये भी मैंने अभी भी आप ऊपर डिस्कस किया है कि जो मिनिमम 51% ऑफ पेड अप कैपिटल है अगर गवर्नमेंट हेल्ड करती है तो वो किस में करती है, गवर्नमेंट कंपनी के अंदर. तो इसका आंसर क्या होगा, गवर्नमेंट कंपनी. ठीक है, होली भी कर सकते हैं और पार्शली भी. ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट के साथ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट पार्शली और होली भी इसे कर सकते हैं पेड अप कैपिटल को हेल्ड. नेक्स्ट देखिए, दिस एंटरप्राइज इज मोस्ट सुटेबल वैन नेशनल सिक्योरिटी इज़ कंसर्न. अगर नेशनल सिक्योरिटी की बात आ रही है तो वो किससे रिलेट करता है, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, क्योंकि हमने डिफेंस वगैरह के बारे में पढ़ा था. तो इसका आंसर क्या होगा, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग. नेक्स्ट देखिए, लास्ट, दीज एंटरप्राइज आर सेटअप अंडर ए स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट. कैसे की जाती है, स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू सेटअप की जाती है. तो वो कौन सा था, जिसमें अभी मैंने ऊपर बताया आपको स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट होता है सेटअप, किसके अंदर होता है, कौन से एंटरप्राइज के अंदर, ही होता है स्टैट्यूटरी और पब्लिक कॉर्पोरेशन. ठीक है, तो इस तरह से केस स्टडी कंप्लीट होते हैं, इस तरह से ही एग्जाम में बेटा केस स्टडीज जो हैं वो आती हैं. ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सेकंड, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड गैल इज कैरिंग ऑन वेरियस प्रोजेक्ट्स ऑफ एनर्जी एंड पावर. मेजोरिटी ऑफ इट्स शेयर्स आर हेल्ड बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. इट इज़ रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 1956 एंड इंजॉय ऑल द करेक्टरिस्टिक ऑफ द कंपनी. द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट. द बोर्ड एंड शेयर होल्डर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एफिशियंट वर्किंग ऑफ द कंपनी. द कंपनी प्रिपेयर्स इट्स एनुअल रिपोर्ट एंड सबमिट टू अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज. देखिए जो गेल है ये वेरियस जो प्रोजेक्ट है एनर्जी और पावर से रिलेटेड उनको कैरी कर रही है, और मेजोरिटी जो इसकी है शेयर्स की जो मेजोरिटी है इसकी वो किसने हेल्ड की हुई है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, यानी 51% है ना, उससे ऊपर उसने क्या किसने हेल्ड की हुई है इसके पेडअप शेयर्स कैपिटल, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने. और ये रजिस्टर किसके अंदर होती है, कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर. और जितनी भी एक किसी भी कंपनी को अगर हम बात करें तो प्राइवेट कंपनीज भी हैं उसी तरह से जो ये कंपनी है
इन्जॉय करती है, सारी कंपनीज की जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक है वही से भी मिलती है इन्जॉय करने को, ठीक है। यानी सारी कैरेक्टरिस्टिक जो है उसके अंदर भी फॉलो होती हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो अपॉइंट किसके द्वारा की जाते हैं, इसके गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। और बोर्ड एंड शेयर होल्डर्स जो हैं वो क्या है, कंपनी के एफिशिएंट वर्किंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, ठीक है। अब कंपनी जो है वो एनुअल जो रिपोर्ट है अपनी जो प्रिपेयर करती है वो सबमिट करती है एप्रोप्रिएट अथॉरिटी को, ठीक है। तो ये था इसमें तीन क्वेश्चन जो पूछे गए हैं। देखिए, एक तो फर्स्ट पूछा गया नेम द टाइप ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज रेफर्ड इन अबव पैरा। इस ऊपर जो हमने पैराग्राफ पढ़ा है गेल के बारे में, उसमें आपको जो कौन सी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है वो आपको बताना है, नाम बताना है, टाइप ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। तीन हमने चैप्टर में पढ़ी थी, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, गवर्नमेंट कंपनी और पब्लिक कॉरपोरेशन, ठीक है, ये हमने पढ़ा था। तो इनमें से आपको देखना है कि कौन सी है जो यहाँ पे अप्लाई होती है, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सी अप्लाई होती है। देखिए, मेजोरिटी ऑफ इट्स शेयर्स आर हेल्ड बाय द गवर्नमेंट, यानी ज़्यादा शेयर्स किसने हेल्ड कर रखे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। और कंपनीज एक्ट 1956 के अंडर में ये रजिस्टर्ड होती है, और जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक और कंपनी को मिलती है प्राइवेट को भी वो इसे भी मिलती है, ठीक है। और जो इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वो कौन अपॉइंट करती है, गवर्नमेंट। तो ये सब बातें हमने किस में पढ़ी थी, यानी फीचर्स जो पढ़ी थी वो किस में पढ़ी थी, गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट जो कंपनी है वो ऐसी कंपनी है जिसके 51% जो है वो पेड अप कैपिटल, जो पेड अप शेयर कैपिटल है वो हेल्ड करते हैं सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट। और इसे ही जो भी रूल किया जाता है इसके अंदर, यानी जो भी गवर्नर रूल किया जाता है, वो प्रोविजंस जो हैं इसके कंपनीज एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग होते हैं, ठीक है, ये हमने पढ़ा था। और इसका अपॉइंट किया जाता है जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, वो किसके थ्रू किए जाते हैं, गवर्नमेंट के थ्रू। तो ये सारी बातें किसमें फॉलो होती है, गवर्नमेंट कंपनीज, जो कि एक टाइप है किसका, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज का। तो इसका आंसर क्या होगा फर्स्ट क्वेश्चन का, गवर्नमेंट कंपनीज। सेकंड देखिए, गवर्नमेंट बाय शेयर इन हुज नेम, गवर्नमेंट किसके नाम से शेयर बाय करेगी, वो करेगी क्योंकि यहाँ पे हेल्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ कंपनी लिखा है, सेंट्रल की बात हो रही है, तो वो किसके थ्रू किया जाएगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये मैंने आपको जब पढ़ा था ये गवर्नमेंट कंपनी के बारे में तब बताया था। थर्ड देखिए, वेयर डज गवर्नमेंट कंपनी सबमिट दियर रिपोर्ट, अपनी जो रिपोर्ट है वो कहाँ सबमिट करेगी गवर्नमेंट कंपनीज, वो करेगी पार्लियामेंट के हाउसेज में, है ना, दोनों में करना पड़ेगा, लोकसभा और राज्यसभा दोनों हाउसेज में जो है वो एक गवर्नमेंट कंपनी अपनी रिपोर्ट जो है एनुअल रिपोर्ट सबमिट करेगी, ठीक है बेटा। तो इस तरह से जो रिलेटेड केस स्टडीज क्वेश्चन है वो एग्जाम में आते हैं। आप ये जो एक्सरसाइज में पीछे दिए हुए हैं और उसमें बुक के चैप्टर के सॉरी बीच में भी डिस्कस किया है मैंने, और आप और भी जो हैं वो केस स्टडीज आप अपना देख लें, इस तरह से ही केस स्टडी एग्जाम में आती हैं। और इसके बाद बेटा मैं आप इस वीडियो के साथ में आपके पास जो है वो PDF भेज रही हूँ, ठीक है, टू टॉपिक्स की वीडियो PDF है। एक तो कंपैरिजन है, कंपैरिजन बिटवीन डिफरेंस फॉर्म्स ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, ठीक है, पेज नंबर 127 पर है वैसे तो। आपको इसमें से जो 6 पॉइंट्स आपको नोट डाउन करने हैं अपने, ठीक है, नोट्स प्रिपेयर करने हैं। और एक है डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर, ठीक है, इनके बारे में तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया है। तो डिफरेंस आपको क्या करना है, नोट डाउन करने हैं, इसमें से आपको 6 जो पॉइंट है वो अपने नोट डाउन करने हैं, ठीक है। 6 पॉइंट्स आप डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर, और डिफरेंस बिटवीन वेरियस फॉर्म्स ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, तो इनके 6 पॉइंट आप अपनी जो नोटबुक है उसमें नोट डाउन करेंगे, ठीक है। इस वीडियो को भी आप अच्छी तरह से, जितने भी इसमें केस स्टडीज मैंने आपको बताई हैं वो अपने अच्छी तरह से देख लें आप, और जो भी हैं अदर इससे अदर जो भी हैं केस स्टडीज़ वो भी आप अच्छी तरह से देख लें। तो इस तरह से आप अपनी जो नोट्स हैं वो प्रिपेयर करें PDF के अकॉर्डिंग। थैंक यू।